फ्रेंड्स, एक मैं न्यू होम स्टूडियो बना रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसी के लिए एक मैंने मोबाइल स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड परचेस किया था अमेजोन से, तो वो आ गया है मेरे घर पे। बस उसी के अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इस स्टैंड की विशेषताएँ क्या है, खासियत क्या है। तो चलिए पहले इसे हम अनरैप कर लेते हैं, इसको यहाँ से फाड़ के निकाल लेते हैं। बहुत ही कड़क तरीके से इसकी पैकेजिंग की गई है। डिजिटेक का स्टैंड है, ट्राइपॉड है। तो इस बॉक्स के अंदर स्टैंड है, तो काफ़ी खोलने में मुझे कठिनाई हो रही है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट स्टैंड है मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए, मैंने जो परचेस किया है। इसके पहले मैंने एक हाफ स्टैंड परचेस किया था, तो उसी से ये वीडियो, इसके पहले वीडियो रिकॉर्ड करता था। अभी मैं ये अपने न्यू स्टूडियो के लिए ट्राइपॉड स्टैंड बाय किया हूँ, तो अभी मैं न्यू स्टूडियो भी बना रहा हूँ अपने घर पर एक सेपरेट रूम में। तो जल्द ही मेरी फेस की वीडियो आप सभी के सामने आएगी, आप उसे एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए, मैं आधा काट चुका हूँ, अब बस ये निकल जाए। मैं भी इसे देखने के लिए बेसब्र हो गया हूँ, काफ़ी टाइम से इसको खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फाइनली ये ओपन तो हो गया है, तो चलिए अब इसको यहाँ से खोलते हैं। ये देखिए येलो पैक में है, डिजिटेक का है ट्राइपॉड DTR 550 LW, जिसकी हाइट है 67 इंच, तकरीबन 5.5 फुट के आसपास है। तो ये बिल मेरा आया हुआ है और एक इसका डब्बा है, इसी में है ट्राइपॉड। तो इसे ओपन करेंगे और इसका फीचर्स देख लीजिए। इस पर आप कैमरा के साथ साथ मोबाइल भी माउंट कर सकते हो और 360 डिग्री में इसे रोटेट कर सकते हो, मतलब पूरी तरह से इसे घुमा सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशन देख लीजिए और बाकी तो आप इनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। चलिए यहाँ से इसको खोलते हैं पहले, और ये प्लास्टिक का पहले बॉक्स पैक किया हुआ है, इसको निकालते हैं मोबाइल पकड़िए का। तो देखिए बॉक्स में निकलते हैं, और देखिए पहले प्लास्टिक का कवर किया गया है, फिर उसके अंदर ये एक पैक में दिया हुआ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस बैग में इस तरीके से। तो चलिए अब इसको भी खोलते हैं, इसका भी चैन खोलते हैं। गाइस, आपको बकरियों की भी आवाज़ें आ रही होंगी बीच में, क्योंकि फ़िलहाल मैं अपने विलेज में हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बकरियाँ दिलाई है, तो उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई दे देती होंगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार का है, इसे हमने ओपन कर लिया है, प्लास्टिक को निकाल देते हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है स्टैंड। अभी फर्स्ट टाइम मैंने इसे परचेस किया है, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है इसे कैसे खोलते हैं, कैसे वो इसे यूज़ करते हैं। तो जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, कुछ भी मेरे से आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा। बट मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि मैं कंप्लीट इसका खोल के यूज़ बताऊँगा। देखिए नीचे से इसका स्टैंड खींच के आपको लॉक करना है, एक वाला मैंने खींच के लॉक कर दिया है। अभी इसको और ऊपर भी ये होगा, सेकेंड थर्ड वाला देखिए एक के अंदर एक घुसा हुआ है, तो उसको खींचेंगे तो वहाँ पर लॉक कर दिया हुआ है, इस लॉक को उसको दबाना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पर रुकेगा नहीं, नीचे की तरफ सरक जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको तीनों भी ओपन कर दिया है। और देखिए ये माउंटर है, इसको आप तो यहाँ पर अपना वीडियो कैमरा रख के इसे माउंट करके आप वो कर सकते हो। अभी हमें एक माउंटर अलग से मिला है मोबाइल को माउंट करने के लिए, तो उसको भी लगा के आपको दिखाएंगे मोबाइल कैसे उस पर होल्ड किया जाता है। देखिए ये वाला है, ये मोबाइल होल्डर है। अब इसको प्लास्टिक से निकाल के इसमें हम फिट करेंगे, फिट करके आपको दिखाएंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से, ये दोनों तरह से फिट हो सकता है, आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हो फिट, और इसको हॉरिजॉन्टल भी फिट कर सकते हो। अभी मैं इसको पहले ऐसे फिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम है,
तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, आप भी बाय करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, सेटिंग में, तो जो मुझे दिक्कत हो रही है फ़िलहाल, लेकिन मैं ऐसे तैसे करके ऐसे कर रहा हूँ। देखिए इसको खोल के देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको क्यों खोलना है, क्या खोलना है, बट मैं इसे खोल के देख रहा हूँ। अभी मैं इसे मोबाइल माउंट करके देखता हूँ मोबाइल कैसे होल्ड होता है कि नहीं होता है। तो चलिए मोबाइल में अपना ले लिया हो, इसको देखते हैं कैसे लगाना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मेरी तरफ घूमेगा कैसे, तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब तो ये ऐसा हो गया, लेकिन ये मेरी तरफ घूमेगा कैसे, तो शायद यहाँ पर लॉक है, लॉक को खोल के थोड़ा सा ऐसे होता है वो, अब सही हुआ, तो कुछ इस तरह से है। इसका स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ, देखता हूँ कैसा मतलब अच्छा लगता है नहीं लगता है। आखिरकार ये मेरा फर्स्ट परचेस है स्टैंड के मामले में, मैंने इससे पहले भी परचेस की थी लेकिन छोटी मोटी की थी, तो ये काफ़ी महंगा भी है मेरे लिए, अभी मेरे इतनी नहीं था मुझे ख़रीदना, बट मैं नई स्टूडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा। आप सबको क्वालिटी देना है तो थोड़ा सा महंगा सामान और थोड़ा सा महंगी चीज़ें तो लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने ये लिया हुआ है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसे माउंट करके होल्ड मोबाइल को होल्ड करा सकते हो, तो ये ऐसे पूरा मतलब 360 डिग्री आप जैसे चाहिए उसको ऐसे ही घुमा सकते हो, तो काफ़ी स्टेबल स्टैंड है, तो मतलब इसमें गिरने पड़ने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टोटल अच्छे से फिक्स हो जाता है। अभी ये आप बता दो, ये इसकी हाइट पूरी नहीं खुली है, इसकी हाइट और ऊपर जाएगी, अभी मैं आधा ही खुला हूँ, अभी जहाँ पर मोबाइल लगा है ना उसके ऊपर भी हो जाता है, अभी मैं कुछ टाइम उसको भी खोल के आपको दिखाता हूँ, लेकिन देख लीजिए इसका लुक। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको इसका पूरा ओवर लुक बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी मैं इसको ऊपर की तरफ ले रहा हूँ, जैसा कि मैं बताया था कि इसकी हाइट और बढ़ेगी, तो मैं इसको भी ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। इसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, देखिए ऊपर की तरफ ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आप ले सकते हो, कहने मतलब तकरीबन 5.5 फुट के हाइट तक के इसका हाइट है, इस स्टैंड का हाइट है। तो देखिए यहाँ पर इसे टाइट नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्लिप होकर नीचे आ जाता है। अब इसको यहाँ से आप पूरा घुमा सकते हो जिस हाइट जिस तरफ चाहिए जिस हाइट में चाहिए, शॉर्ट्स भी बना सकते हो, लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हो। तो मेरे चैनल पे टेक्नो फाइल ओपिन पे जल्द ही आपको फेस वाली वीडियो बहुत जल्द ही मिलेगी और परफेक्ट वीडियो मिलेगी, तो जल्द ही बस कुछ ही इसी महीने के बीच में या एंड तक द स्टूडियो रेडी हो जाएगा। तो अभी छोटा ही बना रहा हो, जल्द ही मैं एक से एक बढ़िया वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 1500-1550 रुपया, अमेजोन से मैंने बाय किया था। इसका मॉडल नंबर है रेजिटेक DTR 550LW। थैंक यू सो मच।